दोस्तों, हम जब भी तैयार होते हैं ना, तो हम इस अकॉर्डिंग तैयार होते हैं कि हम जिस इंसान से मिलने जा रहे हैं उस इंसान को हम अट्रैक्टिव लगे। पर कई बार ऐसा भी होता है कि हम जिस इंसान से मिलने जा रहे हैं उस इंसान का टेस्ट ऑफ फैशन अलग हो, इससे हम उस इंसान को बिल्कुल अनअट्रैक्टिव दिखेंगे। इसलिए हम उस इंसान के साथ साथ उस डील को भी खो देते हैं जो हम उसके साथ क्रैक करने जाते हैं, या हमारे वो सपने भी टूट जाते हैं जो हम उस इंसान को डेट करने के लिए देख रहे थे। तो आज हम बात करने वाले हैं उन एक्सेसरीज के बारे में जो आपके आउटफिट में डिटेल सेट करेगी और सबका ध्यान आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जैसा कि हम कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, आपने अपनी वहाँ आधी जंग जीत ली है दोस्तों, दैट्स इट। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मोहित और आप देख रहे हैं मोहित नेटवर्क। आज हम उन 6 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपको अट्रैक्टिव बनाएगी और आप लगोगे बिल्कुल हीरो। दोस्तों, जो हमारी एक्सेसरी नंबर 1 है ना, वो है एक हैंडकरचीफ। जी हाँ दोस्तों, एक रुमाल। हमारी ज़िंदगी में ना रुमाल के बहुत अलग अलग यूज़ होते हैं। ये हमें हमारी स्किन साफ़ करने में भी हेल्प करती है, उसके साथ साथ जब हम लोग छींकते हैं ना तो हमें अपना माउथ कवर करने में भी हेल्प करती है। जब हम अपना माउथ ऐसे कवर करते हैं ना तो इससे लोगों को पता चलता है कि हम अपनी बॉडी के बारे में कितना अवेयर हैं और अपनी इंडियन सराउंडिंग्स के बारे में भी कितना जानते हैं। इससे आप हमेशा लोगों की नज़रों में ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनोगे। दोस्तों, जो हमारी एक्सेसरी नंबर 2 है ना, वो है अ वॉच। जी हाँ दोस्तों, एक घड़ी। आप एक बार के लिए इमेजिन करिए कि आपकी एक पूरी खाली बाँह है और आप उसमें इमेजिन करिए एक वॉच। अक्सर जब भी आप घड़ी पहनते हैं ना, तो जब भी आप किसी से हाथ मिला रहे होते हैं या किसी से कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं, तो वो आपकी वॉच को ऑब्जर्व करते हैं और तब ना उन लोगों का आपके प्रति परसेप्शन ही बदल जाता है कि वो सोचते हैं, वाओ यार, ये कितना अच्छा बंदा है। दोस्तों, दो तरीके की घड़ियाँ जो हम लड़कों के पास हमेशा होनी चाहिए ना, उनमें से पहली तो है बेल्ट वन, जो कि ये वाली है। ये वाली वॉचेस हम अपने एवरीडे लाइफ में पहन सकते हैं और जो हमें टफ लुक प्रोवाइड करती है। दोस्तों, जो बेल्ट वाली वॉचेस है ना, उसके अंदर मैं आपको स्टार्ट करने के लिए 2 कलर सजेस्ट करूँगा। पहला है ब्लैक और दूसरा है ब्राउन। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो 2 कलर है ना, ये हमारे किसी भी आउटफिट के साथ मैच कर जाते हैं इजीली, बजाय उसके कि आप कोई रेड या ब्लू कलर की वॉच उठा के ले आओ जो आपके सारे आउटफिट के साथ मैच ना करे और बिल्कुल ही अनइजी लगे आपके आउटफिट के साथ। और जो दूसरी टाइप की घड़ी होती है ना, वो होती है चेन वाली, जिसको हम लोग मोस्टली फॉर्मल्स के ऊपर प्रेफर करना चाहिए। जब भी हम लोग कोई सूट पहनते हैं या कोई कुर्ता पहनते हैं ना, तब हमें वो घड़ी पहननी चाहिए। वो हमको अ टच ऑफ क्लास प्रोवाइड करती है। दोस्तों, एक्सेसरी नंबर 3 जो हमारी लिस्ट पर है, वो है सनग्लासेस। आपके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आपका कोई अपना फ्रेंड एक मस्त सा सनग्लास पहन के आपके सामने से आ रहा हो और आप ऐसे सोच रहे हो कि ये इतना हैंडसम कैसे हो गया भाई। फिर आप उससे पूछते हो कि भाई तूने सनग्लासेस लिए कहाँ से, और फिर वो थोड़ा भाव खाता है। मतलब कहने का ये है कि आप उस सनग्लासेस से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो ना कि आप उसको खुद पे पहने हुए इमेजिन करके सोचते हो कि यार ये कितना अच्छा लगता मेरे ऊपर भी। दोस्तों, सनग्लासेस हमारे चेहरे को ना एक सिमेट्री प्रोवाइड करते हैं, और सिमेट्री, जैसा कि हम हमेशा जानते हैं, इंसानों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है खुद की तरफ। इसके साथ साथ दोस्तों, सनग्लासेस जो होते हैं ना, वो हमारे ओवरऑल आउटलुक पे एक एक्स्ट्रा शेड प्रोवाइड करते हैं। 2 तरीके के सनग्लासेस जो आपके पास हमेशा होने चाहिए, वो एक तो है एविएटर और एक है वेफेरर। ये 2 जो होते हैं ना, ये किसी भी फेस पे मोस्टली सूट कर जाते हैं और किसी भी आउटफिट के साथ मैच कर जाते हैं। हमारी जो 4th नंबर की एक्सेसरी है, वो है ब्रेसलेट्स। जो ब्रेसलेट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। जब आप 2-3 ब्रेसलेट्स का कॉम्बिनेशन करके पहनते हैं ना, तो वो आपको एक अलग टाइप ऑफ डेफिनेशन प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में हल्का सा बैडेस लुक देता है जो आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगा। हमारे पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रेसलेट्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, राइट फ्रॉम स्टील टू रबर टू थ्रेड्स। हमारे पास इन 3 तरीके के ब्रेसलेट्स अवेलेबल होते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से टाइप के ब्रेसलेट्स लेते हैं और बेस्ट कॉम्बिनेशन बना के अट्रैक्टिव दिखाते हैं खुद को। ब्रेसलेट्स पहनते वक्त हमें हमेशा 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली तो ये कि हमें पूरा हाथ भर के ब्रेसलेट्स कभी नहीं पहनने चाहिए। हमें मैक्स टू मैक्स 2 या 3, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैक्सिमम बताऊँ मैं तो 4 ब्रेसलेट्स जो कि पतले हों उसका कॉम्बिनेशन बना के पहनना चाहिए। ऐसा करने से वो आपकी पर्सनालिटी में और ज़्यादा डेफिनेशन ऐड करेगा। सेकंड पॉइंट जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए ब्रेसलेट्स पहनते वक्त, वो ये कि हमें कभी भी रबड़ के जो मोटे वाले बैंड्स होते हैं ना, वो कभी नहीं पहनने चाहिए। जो हमारी 5th एक्सेसरी है, वो है रिंग्स। तो मुझे पता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि आपके दोस्त आपके बारे में क्या कहेंगे, पर आप मेरा भरोसा कीजिए,
ये वो छोटी छोटी डिटेल्स में से है जो आपकी पर्सनालिटी को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगी आपकी फ्रेंड्स की पर्सनालिटी से, और आप ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे लड़कियों को एज़ कम्पेयर टू योर फ्रेंड्स। अगर आपको थोड़ा बैडस वाला लुक चाहिए ना, तो आपको हमेशा डार्क रिंग्स के साथ जाना चाहिए। वेयर एज अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा सोबरनेस डालना चाहते हैं, तो आपको सिल्वर रिंग्स के साथ जाना चाहिए जिसके ऊपर नकाशी की हुई होती है, जो कि हमारे इंडिया में बहुत ईजीली अवेलेबल है। आपको रिंग्स को ना अलग अलग उंगलियों पर ट्राई करना चाहिए तब तक जब तक आपको एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल जाता और आप उसके अंदर कंफर्टेबल फील ना कर रहे हों। दोस्तों, जो हमारी फाइनल एक्सेसरी है वो है नेक चेन। नेक चेन्स जो एक्सेसरी होती है ना, वो एक ऐसी एक्सेसरी होती है जो बाकी सारी एक्सेसरीज से ज़्यादा विजिबल होती है। ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आपका कैरेक्टर और पर्सनालिटी शो करती है सामने वाले बंदे को। किसी भी चीज़ को एज अ पेडल बना के अपनी नेक चेन में पहन सकते हैं जो आपके दिल के करीब हो या जो आपका कैरेक्टर शो करती हो। फॉर एग्जाम्पल, आप डांसर हैं और आपको डांस बहुत पसंद है, तो आप MJ का पेडल बना के पहन सकते हैं। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।